प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। कल हमने बात की थी पिरोल की, आज हम बात करेंगे थायोफिन की। थायोफिन या इसको थायोल भी बोलते हैं। थायोफिन विषम परमाणु सल्फर युक्त पांच सदस्य युक्त एरोमेटिक यौगिक है। पहले तो सल्फर युक्त फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। सल्फर युक्त पांच सदस्य विषम चक्रीय यौगिक है। मुख्य रूप से कोलतार कहां पाया जाता है? मुख्य रूप से कोलतार एवं बैटरी में प्रयुक्त होने वाले तेल, बैटरी में प्रयुक्त होने वाले तेल व बेंजीन के अंश के रूप में पाया जाता है। थायोफिन साइक्लोपेंटाडाईन का सल्फर युक्त समांगी यौगिक भी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स बनाने के तरीके। सिंपल है, फ्रॉम एसिटिलीन। जब एसिटिलीन को एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो थायोफिन का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सल्फर के साथ रिएक्शन करा, H2S के साथ रिएक्शन करवानी है तो हमने इस प्रकार करवानी। हाफ एरो एंड हाफ एरो। CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH S प्लस H2 थायोफिन। सेकेंड मेथड है फ्रॉम डाइकीटोन। टू फाइव हेक्सा डाइऑन का जो इनॉल रूप है वह हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने पर थायोफिन का फॉर्मेशन करता है। देखिए कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। 1 2 3 4 5 6 2 5 हेक्साडाइऑन टॉटोमेराइजेशन चलाता हूं। तो डबल बॉन्ड यहां तो ये हाइड्रोजन इसके पास शिफ्ट, डबल बॉन्ड यहां तो ये हाइड्रोजन इसके पास शिफ्ट। CH3 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और CH3। हम इसको इस रूप में भी लिख लें ताकि हमें ध्यान रहे, ये C है तो ये C, इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है तो हमने लिखा CH3, ये फिर OH, फिर डबल बॉन्ड है फिर CH है फिर सिंगल बॉन्ड है CH है फिर डबल बॉन्ड है फिर C है फिर OH है और फिर CH3 है। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? H2S के साथ। तो H2S को हम किस प्रकार लिखें? HHS, ये हो गई H2S। यहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल। जब हम हीट करते हैं तो CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3 S डबल बॉन्ड C, CH3 सब्स्टिट्यूट्स थायोफिन का फॉर्मेशन होता है।
इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड मेथड जो है वो है एन ब्यूटेन से, फ्रॉम एन ब्यूटेन। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, एन ब्यूटेन पर सल्फर की एक्सेस में वाष्प प्रवाहित करने पर H2S गैस निष्कासन से थायोफिन का फॉर्मेशन होता है। एन ब्यूटेन है, हम सल्फर को एक्सेस में इसकी वेपर को हम पास आउट करते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो थायोफिन का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। तीन ही मेथड से बहुत काम के हैं, पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। इसकी प्रॉपर्टीज सेम, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सेम पेरोल के जैसी होती है। इलेक्ट्रॉन्स नए प्रतिस्थापित अभिक्रिया नंबर दो और पांच पोजीशन पर संपन्न होती है, जो अल्फा पोजीशन मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फर्स्ट है नाइट्रेशन, तो हम बात कर रहे थे थायोफिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं, इसमें पहला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हमेशा नाइट्रिक कारक मिक्सर की उपस्थिति में कराया जाता है, और आप सभी को पता है नाइट्रिक कारक मिक्सर कंसेंट्रेट H2SO4 प्लस कंसेंट्रेट HNO3 होता है, और इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो नाइट्रोनियम कैटायन होता है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। टू नाइट्रो थायोफिन का फॉर्मेशन होता है, टू नाइट्रो थायोफिन। सेकेंड हम देखते हैं सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। थायोफिन का सल्फोनेशन ठंडे एवं सांद्र H2SO4 के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। सेम अभिक्रिया होती है जैसे कि हमने पिरोल में पढ़ी थी। कंसेंट्रेट H2SO4 और पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है टू थायोफिन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। थर्ड अभिक्रिया है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार की रिएक्शन दर्शाता है। थायोफिन का क्लोरीनीकरण सामान्य परिस्थितियों में करवाने पर 2 क्लोरोथायोफिन बनता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाने पर सभी हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाता है। कॉम्पिटिशन में यह बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसलिए ध्यान होना चाहिए। क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो 2 क्लोरो थायोफिन का फॉर्मेशन होता है, और यही अभिक्रिया हम सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो ऑल हाइड्रोजन एटम्स जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन के द्वारा। और यदि हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसिटिक अम्ल और इथेनॉल की प्रेजेंस में थायोफिन का ब्रोमिनेशन कराने पर 2 ब्रोमो थायोफिन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम देखें ब्रोमिनेशन अभिक्रिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड एसिटिक एसिड या और
एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में जब कराया जाता है, 2-bromothiophene का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार क्षारीय माध्यम में थायोफिन का ब्रोमिनेशन करवाया जाए तो दोनों अल्फा स्थिति के हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट ब्रोमाइड आयन द्वारा होकर अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमोथायोफिन का फॉर्मेशन होता है। ये तो एसिडिक मीडियम में है। और बेसिक मीडियम में बात करें थायोफिन का बेस लिया है और ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो अल्फा पोजीशन जो दोनों हैं वहां के हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमोथायोफिन बनता है। अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमोथायोफिन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड के साथ ये अभिक्रिया कराई जाए तो सक्सिनेमाइड के निष्कासन के द्वारा 2-bromothiophene का फॉर्मेशन होता है। एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड ये है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, इसकी रिएक्शन जब हम थायोफिन के साथ कराते हैं तो 2-bromosuccinimide बनता है, 2-bromothiophene बनता है, साथ में सक्सिनेमाइड रिलीज हो जाता है। इसी प्रकार एक अभिक्रिया है मर्क्यूरी ऑक्साइड और जलीय पोटेशियम आयोडाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में थायोफिन की क्रिया आयोडीन के साथ करवाने पर 2-iodothiophene का फॉर्मेशन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आयोडोनेशन बोलते हैं इसको या आयोडीकरण, आयोडीन के साथ मर्क्यूरियस ऑक्साइड की प्रेजेंस में उत्प्रेरक KI की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो 2-iodothiophene का फॉर्मेशन होता है। धन्यवाद।